नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। रोजगार मेला में झारखंड के 790 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। झारखंड में रोजगार मेले के तहत 790 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। ग्रुप केंद्र रांची में रोजगार मेले का आयोजन सोमवार को ग्रुप केंद्र रांची के उप महानिरीक्षक डीएन लाल के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित थे। उनके द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में चयनित झारखंड के 559 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके साथ ही हजारीबाग के सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र मेरू में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें 231 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी उपस्थित थे। बता दें, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा सीआरपीएफ कैंप सेम्बो धुरवा रांची में आयोजित रोजगार मेले में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। उन्होंने रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने कहा है कि अधिकतर केंद्रीय सुरक्षा बलों में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी पहल हमारे युवाओं को 10 लाख नौकरियां प्रदान करेंगी। झारखंड के युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उनके पास अवसरों की कमी के कारण किसी दूसरे राज्य में रोजगार तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के लिए मात्र 383 आवेदन। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रति लाभुकों की रुचि काफ़ी कम दिख रही है। सत्र 2023-24 के लिए अभी तक राज्य भर से एससी समुदाय की ओर से ऑनलाइन मात्र 383 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। लाभुकों की इस उदासीनता से योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। बता दें, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड के नागरिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके माध्यम से लाभार्थियों को ऋण प्रदान किया जाएगा। इससे झारखंड में बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी तथा लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। इस योजना के अंतर्गत 40% का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। पलामू में 6 मुखिया को मिली जान से मारने की धमकी। पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड क्षेत्र के मुखिया संघ के अध्यक्ष सह लहर बंजारी पंचायत के मुखिया अशोक सिंह सहित प्रखंड की सभी आधा दर्जन पंचायत के मुखिया इन दिनों दहशत में जी रहे हैं। 6 पंचायत के मुखिया को जान से मारने की धमकी टीपीसी के नाम पर मिल रही है। बता दें, मुखिया संघ ने थाने को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया गया है कि बीते दिन दूरभाष के माध्यम से टीपीसी के नाम पर लगातार तीसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। मुखिया संघ के अध्यक्ष सिंह ने बताया है कि दूरभाष के माध्यम से कॉल कर टीपीसी के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। पूरे उटारी रोड प्रखंड की सभी 6 पंचायत के मुखिया को धमकी दी गई है। शिक्षक दिवस पर राज्य के निजी स्कूलों के 5,000 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से निजी स्कूलों के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें, राज्य में बेहतर शिक्षण कार्य करने वाले निजी स्कूलों के शिक्षकों को प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का फैसला लिया है। इसके तहत 10 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में 5,000 शिक्षकों को राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सम्मानित करेंगे। सम्मान समारोह में अतिथियों और शिक्षाविदों द्वारा शिक्षकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। पासवा निजी विद्यालय के प्रिंसिपल और डायरेक्टर को भी इस अवसर पर सम्मानित करेगा। बाबूलाल मरांडी के भाई रामिया मरांडी की सफाई, गलत है तो मुझे जेल भेजे सरकार। संताल प्रगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से कनेक्शन के मामले में बाबूलाल मरांडी के भाई रामिया मरांडी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि अब संताल प्रगना बिल्डर्स से हमारा कोई नाता नहीं है, अगर हमने कुछ गलत किया है तो सरकार मुझे जेल भेजे। बता दें, झारखंड के चर्चित शराब सिंडिकेटेड किंग और जमीन कारोबारी योगेंद्र तिवारी की कंपनी संथाल प्रगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से कनेक्शन पर रामिया मरांडी ने सफाई दी है। रामिया मरांडी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के भाई हैं। उन्होंने झामो का नाम लिए बगैर एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मैं साल 2011 में ही उस कंपनी से खुद को अलग कर चुका हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि 13 साल बाद उस कंपनी से नाम जोड़कर मेरा नाम क्यों उछाला जा रहा है।
झारखंड सरकार के श्रम विभाग की टीम पहुंची लेह लद्दाख। रांची से लद्दाख गई झारखंड सरकार की टीम ने वहां पर काम कर रहे राज्य के मजदूरों से मुलाकात की है, उनका हाल चाल जाना। टीम के सदस्यों ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें, लेह लद्दाख में कार्यरत झारखंड के श्रमिकों की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए श्रम विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने वहाँ का दौरा किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रमायुक्त झारखंड के नेतृत्व में गई इस टीम ने लेह लद्दाख में कार्यरत संथाल परगना के आदिवासी श्रमिकों की स्थिति का जायजा लिया और उनसे बातचीत कर वास्तविक स्थिति को भी जाना है। रांची में खुला झारखंड का पहला सीआईडी थाना। अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के नए थाने का सोमवार को गठन हुआ। सीआईडी थाना के पहले प्रभारी ब्रह्मदेव प्रसाद को बनाया गया। बता दें कि सीआईडी के नए थाने के गठन को लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बीते 11 अगस्त को आदेश जारी कर दिया था। जारी आदेश में कहा गया था कि सीआईडी को राज्य स्तरीय थाना घोषित किया जाता है। इस थाना का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड होगा। राज्य के विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों को सीआईडी खुद के थाने में दर्ज करके अनुसंधान कर कार्रवाई करेगी। अपना थाना खोलने के बाद सीआईडी को राज्य के किसी आपराधिक मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार होगा। बता दें, सीआईडी मुख्यालय ने सरकार से थाने खोलने की अनुमति लेने के लिए पुलिस मुख्यालय को एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। इस प्रस्ताव पर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सहमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री की जनसुनवाई में पहुंचे किन्नर समाज के लोग। झारखंड की राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस जन के द्वारा सोमवार को जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान खास बात यह रही कि किन्नर समाज के लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से रूबरू हुए। अपनी समस्याओं को लेकर आए किन्नर समाज का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष आग्रह किया है कि हमें सरकार की ओर से घोषित पेंशन एवं आवासीय जैसे मूलभूत सुविधा तत्काल प्रदान की जाए। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री किन्नरों की मूलभूत समस्याओं को सुनने के बाद कहा है कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे सर्वजन पेंशन से किन्नर समाज को जोड़ा जा रहा है, उसके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। और उनके अन्य समस्याओं को सुनने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अवगत कराया जाएगा। चारा घोटाले में 35 आरोपित बरी, 53 को 3 साल की सजा। डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में साक्ष के अभाव में 35 लोगों को बरी कर दिया है। वहीं 53 को 3 साल की सजा सुनाई है। अन्य आरोपितों पर सुनवाई जारी है। 36 आरोपितों को 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। बता दें, मामले में कुल 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। सुनवाई में फैसले में पूर्व विधायक गुलशन अजवानी को 3 साल की सजा मिली है। गौरतलब है कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद से संबंधित चारा घोटाले के 5 मामले सहित कुल 53 मामलों की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में पूरी की गई है। झारखंड के 95 लाख लोग हो सकते हैं सरकारी योजनाओं से वंचित। झारखंड के 95 लाख लोगों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, इस कारण ऐसे लोग सरकारी योजनाओं सहित अन्य सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं। आधार अपडेट कराने के लिए लोगों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भी दी जा रही है। इसके बाद भी लोग रुचि नहीं दिखा रहे, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। बता दें, झारखंड में आधार कार्ड की संख्या 3.58 करोड़ है।